याद रखना कि लोग जो बोलते हैं ना, लोग खानदान को गाली देते हैं, तो खानदान को वही गाली देते हैं कि जिंदा कोई खानदान नहीं होता है। और जिंदगी में कभी भी एक बात ध्यान में रखना, खानदान को गाली देना यानी कि हमारे बाप दादा को गाली देना, बाप दादा को गाली देना। तो खानदान के ऊपर अगर कोई आँच उठाता है ना, या खानदान के ऊपर कोई उल्टा सीधा बोलता है, और जिंदगी में चलना है तो खानदान को लेके चलना पड़ेगा, भले वो खानदान कैसा भी हो, क्योंकि खानदान से ही नाम होता है। और खानदान है तो हम है। खानदान किससे चला है? हमारे बाप दादाओं से चला है, उसी को बोलते खानदान। अब जो खानदान के बारे में कभी कोई जाना ही नहीं, जिनके कोई खानदान का ठिकाना ही नहीं, वो खानदान के बारे में क्या जानेंगे? खानदान एक बहुत बड़ी चीज है, ऊपर वाले की बहुत बड़ी दौलत है खानदान वाले। खानदान जब कुछ होता है घरों में तो खानदान वाले ही आते हैं दौड़ के, और खानदान वाले ही उसको कॉपरेट करते हैं। वो कुछ लोग होते हैं खानदान में, कुछ अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, और कुछ खराब भी होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा पूरा खानदान खराब है। खानदान मेरी मतलब बहुत भारी है। खानदान से हमारी हमारा नाम चलता है, खानदान से ही हमारा सब कुछ चलता है, खानदान ही हमारा सब। और इंसान ने तो अपनी जात कभी छुपाना नहीं चाहिए कि ये मैं इस कास्ट का हूँ या मैं उस कास्ट का हूँ। ये कास्ट हमारी देन है। आज जो हम दुनिया में जी रहे हैं, हम देन है, इंसानियत की देन है। अगर मेरा खानदान, अगर मैं बुरा बोलूंगा तो फिर मेरे बाप दादा को मैंने गाली देने के बराबर किया। किसको? बाप दादा को गाली देने के बराबर किया। तो कभी भी जिंदगी में खानदान के बारे में कभी किसी का सुन के नहीं लेने का। और कभी भी इसीलिए बड़े बुजुर्गों का कॉल है कि लड़की देखो शादी करनी है तो पहले अपने खानदान में ढूंढो, लड़की देनी है या लानी है तो अपने खानदान में देखो, अगर खानदान में नहीं मिली तब फिर तुम बाहर जाओ। और जब बाहर की आके अगर वो खानदान के ऊपर डैमेज करती है तो खानदान उसका परमिशन देता है कि उसको पहले बाहर करो, कि जिस खानदान ने तुझे एक्सेप्ट किया तो तुझे भी इस खानदान को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये मेरी आज की बात थी।